हाय गाइस, वेलकम बैक टू रोहिणीज व्लॉग। फर्स्ट वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और नेक्स्ट आने वाली जितने भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएंगी। तो आज मैं रेड सॉस पास्ता बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ उसे शेयर किया जाए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको कुछ खुशी की बात बताऊंगी और रीज़न बताऊंगी कि क्यों मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल को स्टार्ट किया है, तो मैं बताऊंगी, बट उसके लिए आप एंड तक वीडियो देखिए। और जो नए हैं इस चैनल में, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है अपनी इंस्टाग्राम आईडी का, तो जाइए फॉलो कीजिए। तो चलते हैं फिर रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए लिया है पास्ता। रेड सॉस अभी मैंने बनाया है, ओनियन, गार्लिक, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली और ऑर्गेनो। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने रेड चिली डाला है और टमाटो डाला है। अगर आपको सॉस ज़्यादा चाहिए तो आप टमाटो की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको तीखा कम चाहिए तो आप चिली की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 चिली लिए, आप 2 ले सकते हैं। जब बॉईल होने लगेगा तो आप यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दीजिए। फिर मैंने यहाँ पर अपने टमाटो के छिलके निकाल लिए हैं। और फिर मिक्सर ग्राइंडर में आप इसको ग्राइंड कर लीजिए, तो आपका रेड सॉस रेडी हो जाएगा। अब एक बर्तन में आप पानी ले लीजिए और एक चम्मच नमक और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के पास्ता को डाल के बॉईल होने तक उसे बॉईल कीजिए। जब वो बॉईल हो जाएगा तो उसका पानी निकाल के आप पास्ता को अलग से रख लीजिए। फिर कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लेंगे और उसमें गार्लिक ओनियन को डाल के हल्के ब्राउन होने तक उसे मिलाएंगे। जब वो हल्का ब्राउन हो जाएगा उसमें हम लोग रेड सॉस डाल देंगे और अच्छे से उसे मिला लेंगे। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तब उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून चिली, 1/2 टेबल स्पून ऑर्गेनो। इन सब को डालकर अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे पास्ता लिया और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पर सॉस कम बनाया था क्योंकि मुझे सॉस पसंद नहीं है ज़्यादा, तो अगर आपको सॉस ज़्यादा पसंद है तो आप वहाँ पर टोमेटो की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अब ये रेडी है टेस्ट के लिए, तो मैं अपने भाई से टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसा लगा। तो बताओ कैसा लगा बना? अच्छा बना है। सही में? तो गाइस, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और मैंने एक चीज़ आपको और बोली थी, मैं खुशखबरी बताऊंगी, मैं बताऊंगी खुशखबरी, बट मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे और मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, और आप भी बहुत खुश होंगे उस चीज़ को जान के कि किस रीज़न की वजह से मैंने ये व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है। और बस दुआओं में याद रखिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।